पुरे स्वामी जी महाराज कहते हैं कि त्वामामनंति कवयः करुणामृताब्धे ज्ञान क्रिया भजन लभ्य अलभ्य अन्य ही। हे भगवान, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े विद्वान ये कहते हैं कि आप ज्ञान, कर्म और भक्ति इन तीन साधनों से मिलते हो। ज्ञान क्रिया भजन लभ्य अलभ्य अन्य ही, अन्य साधनों से आप नहीं मिलते हो। तो मेरा प्रश्न है आपसे, क्या प्रश्न है? बोले एतेन केन वरदोत्तर कोसलस्थाः। हे वरद, हे ठाकुर, इन साधनों में से कोसलवासी, अयोध्या वासियों ने कौन सा साधन किया था जिस साधन से आपने उनको वैकुंठ पहुंचा दिया? एतेन केन वरदोत्तर कोसलस्थाः पूर्वम सदूर्वम अभजन्त हि जन्तवस्त्वाम। दूर्वा के सहित, अयोध्या की घास के सहित सबको आप वैकुंठ लेकर के चले। अयोध्या की घास ने कौन कर्म ज्ञान अनुष्ठान किया था? वहां के वृक्षों ने कौन से ऐसे अनुष्ठान किए थे? तो संपूर्ण अयोध्यावासी को भगवान अपने साथ ले गए। लेकिन ऐसी स्थिति में भी पांच लोग बच गए। कौन कौन नहीं गए? बोले एक विभीषण जी नहीं गए, और बोले एक हनुमान जी नहीं गए, और एक जामवंत जी नहीं गए, और एक द्विविद नहीं गए, और एक मयंद नहीं गए। इन पांच लोगों को भगवान साथ नहीं ले गए। अब पांच लोग भगवान के साथ नहीं गए, इतनी बड़ी वैकुंठ यात्रा भगवान की हो रही है, जिस वैकुंठ को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, महात्मा लोग साधन करते हैं, और अयोध्या की घास तक को वैकुंठ मिलने जा रहा है, और ऐसे अवसर पर ये पांच लोग वंचित हो गए। इन पांच लोगों को वैकुंठ नहीं मिला, ये वैकुंठ नहीं गए। कारण क्या था? बोले पांचों के कारण अलग अलग थे। विभीषण जी को तो इसलिए भगवान लेकर के नहीं गए कि विभीषण भी कामना के कारण बंधन में पड़ चुके थे। कथा में मैंने निवेदन किया था कि विभीषण जी जब भगवान के पास आए थे तो उनके मन में कामना थी कि जैसे भगवान ने बाली को मार दिया, सुग्रीव को राज्य दे दिया, उसी प्रकार रावण को मार देंगे, लंका का राज्य मुझे मिल जाए। ये कामना लेकर के आए थे। और कछु प्रथम वासना रही, वासना थी। आते ही भगवान ने राज तिलक कर दिया और लंकेश बना दिया, और भगवान ने कहा जाओ एक कल्प तक तुम राज्य भोगो, जब तक तुम्हारा मन न भर जाए तब तक राज्य भोगो। करहु कल्प भरी राज तुम मम सुमिरेउ मन माही, पुनि मम धाम पाइयो जहां संत सब जाए, फिर तब आप मेरे धाम चले आना। तो एक कल्प तक विभीषण जी को राज्य करने का वरदान भगवान ने दे दिया। वो भी इसलिए दिया कि विभीषण जी की कामना थी, तो अपनी इस कामना के कारण वो वैकुंठ नहीं जा सके। आज भी लंका के राजा विभीषण हैं, लेकिन वो लंका नहीं जो लंका भारत के नक्शे में नीचे दिखाई पड़ती, वो तो सिंघल द्वीप है, उसका नाम सिंघल द्वीप है। वास्तविक लंका जो यक्षों की नगरी है, जहाँ पर वर्तमान में असुर लोग निवास करते हैं, वो नगरी दिव्य है, वहाँ मनुष्य की गति नहीं। वो समुद्र के अंदर 100 योजन की दूरी पर है, और वह मनुष्यों के आँखों से दिखने वाली भी नहीं है, वो दिव्यपुरी। तो आज भी वहां के राजा विभीषण जी महाराज एक कल्प तक रहेंगे। तो विभीषण जी तो इस कारण से नहीं जा पाए क्योंकि उनके अंदर राज्य करने की कामना थी। हनुमान जी क्यों नहीं गए? बोले हनुमान जी के अंदर तो ऐसी कोई कामना नहीं थी, लेकिन हनुमान जी ने कहा, भगवान ने जब वैकुंठ की यात्रा की घोषणा की कि अब हम सब लोग चलेंगे, साकेत धाम चलना है, हनुमान जी को बुलाया और भगवान ने कहा, हनुमान अब यहाँ की लीला पूरी हो गई, अब तो वैकुंठ चलना है। हनुमान जी ने कहा बहुत अच्छी बात है, हम भी चलेंगे, लेकिन एक बात बताओ प्रभु। बोले क्या? हनुमान जी ने कहा, प्रभु वैकुंठ में आपकी कथा कै बजे से होती है, 2 बजे से कि 3 बजे से? भगवान ने कहा वैकुंठ में कथा? हनुमान जी ने कहा वैकुंठ में आपकी कथा का, कथा की टाइमिंग क्या है, 2 बजे से कि 3 बजे से कि 4 बजे से, कब होती? भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, हनुमान वैकुंठ में मेरी कथा नहीं होती, वैकुंठ में तो मैं होता हूँ। बोले आपकी कथा नहीं होती? बोले हाँ, वहाँ कथा नहीं होती, वहाँ तो मैं होता हूँ। तो भगवान श्री प्रभु राम की इन बातों को सुनकर हनुमान जी ने विनम्रतापूर्वक कहा, प्रभु आज तक मैंने आपकी किसी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन आप क्षमा करें, मैं आपके साथ वैकुंठ नहीं जाऊँगा। भगवान ने कहा वैकुंठ नहीं जाओगे? हनुमान जी ने कहा वैकुंठ में आपकी कथा नहीं होती तो हम वहाँ जाके क्या करेंगे, हम तो कथा सुनने वाले हैं। कथा से इतना प्रेम हनुमान जी महाराज को, इसीलिए हनुमान चालीसा में पढ़ते हैं, रामचरित सुन बे गोरसि
बसिया राम लखन सीता मन बसिया राम चरित सुनिबे गो रसिया राम लखन सीता मन बसिया राम लखन सीता मन बसिया राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा रे मैं तो वहां रहता हूं, मुझसे प्रेम नहीं? हनुमान जी ने कहा प्रभु आपसे तो बहुत प्रेम है, अगाध प्रेम है, मैं तो आपको भी चाहता हूं और आपकी कथा को भी चाहता हूं, लेकिन वैकुंठ में आप मिलोगे लेकिन आपकी कथा नहीं मिलेगी, और यहां मृत्युलोक में आपकी कथा भी मिलेगी और आप भी मिलोगे। हनुमान जी ने यही कहा आपकी कथा भी मिलेगी और आप भी मिलोगे। क्यों? बोले जहां आप रहते हो वहां आपकी कथा रहे ये कोई जरूरी नहीं, लेकिन आपकी कथा जहां रहती है वहां आप जरूर रहते हो, इसलिए जहां कथा रहेगी वहां रहे। भगवान की जहां कथा होती है भगवान वहीं निवास करते हैं। स्वयं भगवान कहते हैं नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद मेरे भक्त जहां मेरा गुणगान करते हैं मैं वहीं निवास करता। और भागवत के महात्म्य में तो आपने सुना ही था कि जब ज्ञान वैराग्य भक्ति सब मिल करके कीर्तन करने लगे, उस अलौकिक कीर्तन को देख करके भगवान प्रकट हुए और भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो उन भक्तों ने यही वरदान मांगा कि हे प्रभु जहां कहीं आपके भक्त आपका गुणगान करें, आपकी कथा हो, भागवत की कथा हो, रामायण कथा हो, राम कथा हो, कृष्ण कथा हो, ऐसे अवसर पर जैसे आज आपने कृपा की है उसी प्रकार उन भक्तों पे भी आप सदा ऐसे ही कृपा करते रहना, यही वरदान मांगा उन भक्तों ने। तो भगवान की जहां कथा होती वहां भगवान रहते। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं तो यहीं रहूंगा और आपकी कथा श्रवण करूंगा, और जब इस पृथ्वी पर एक व्यक्ति, जब तक एक व्यक्ति भी आपकी कथा सुनाने वाला इस पृथ्वी पर रहेगा तब तक मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा कथा सुनने के लिए, जहां वो कथा सुनाएगा मैं वहीं जाकर के सुनूंगा। यहां तो लोग कथा स्थल में नहीं पहुंच पाते, कहते हैं मोबाइल से ही सुन लेंगे है? लेकिन हनुमान जी महाराज बोले एक साथ एक लाख नहीं एक करोड़ जगहों पर राम जी की कथा हो रही हो तो हनुमान जी उतने रूप धारण करके उन उन जगहों पर जाकर के कथा श्रवण करते। क्या अद्भुत बात। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। इसका अर्थ यही है कि एक लाख एक करोड़ जगह पर भी अगर राम कथा हो रही है भगवान की कथा तो हनुमान जी सब कथाओं में पहुंच जाते हैं किसी न किसी रूप में और जाकर के कथा श्रवण करते। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतक। तो हनुमान जी तो इसलिए रुक गए कि हमको कथा सुननी है और जब तक कथा होगी तब तक हनुमान जी यहीं रहेंगे। और हनुमान जी को भगवान ने काम सौंप दिया, बोले ठीक है अगर तुम वैकुंठ नहीं चल रहे हो तो एक काम करो। बोले क्या? बोले मेरी कथा सुनते रहना और पृथ्वी पर रहो, जो मेरा नाम ले, जो भजन करे, जो मेरी कथा सुने उसकी रक्षा करते रहना, उसके ऊपर कृपा करते रहना। इसलिए हनुमान जी महाराज की कृपा सदैव भक्तों पर रहती। जो भगवान की भक्ति कर रहा, जो कथा कर रहा है, कथा श्रवण कर रहा है, हनुमान जी महाराज का वरद हस्त है उसके ऊपर, उसका बाल बांका नहीं हो सकता। हनुमान जी जैसे जिसके सहायक हों, बजरंगबली जिसके सहायक हों, क्या चिंता करना। तो हनुमान जी तो इसलिए रुक गए। और जामवंत जी क्यों रुक गए? बोले जामवंत जी को इसलिए रुकना पड़ा कि इन्होंने भी एक कामना कर ली। बोले क्या कामना की? बोले जब युद्ध समाप्त हुआ, राम रावण युद्ध, रावण का वध हो गया, सभी बानर बैठे थे, दरबार लगा था, तो भगवान ने उन बानरों से पूछा भाई तुम बताओ इस युद्ध में तुम्हारा क्या पराक्रम था। सब बानर अपने अपने पराक्रम का वर्णन करने लगे। किसी ने कहा उस राक्षस को तो हमने ऐसे मारा, उसने कहा उसको हमने ऐसे पटक करके मारा, सब अपनी अपनी बातें कह रहे थे। भगवान सुन सुन करके आनंदित हो रहे थे उन बानरों की वार्ता को। क्रम चलता रहा, जब जामवंत जी के पास क्रम पहुंचा तो जामवंत जी से भगवान ने पूछा जामवंत जी आपने अपना कोई संस्मरण नहीं सुनाया? जामवंत जी हंसने लगे। जामवंत जी ने कहा प्रभु मैं क्या सुनाऊं, इतने बड़े युद्ध में मुझे अपनी कला दिखाने का
अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने का कोई मौका ही नहीं मिला तो मैं क्या बताऊं। मैं क्यों, जामवंत जी ने कहा महाराज इतने बड़े युद्ध में कोई वीर ऐसा था ही नहीं जो मेरे समकक्ष हो जिससे मैं युद्ध कर सकूं। किससे मैं युद्ध करता, एक रावण था, रावण अगर मुझसे युद्ध करता तो मैं करता। और रावण आपका शत्रु, रावण के वध का यश, रावण के वध का यश आपको मिलना था, इसलिए मैंने रावण से युद्ध किया नहीं। तो मैं क्या बताऊं कि मैंने क्या कला दिखाई। हां अगर आप मेरी कला देखना चाहते हैं तो आपसे बड़ा वीर तो इस दुनिया में कोई नहीं है। जय जय महावीर महाधीर धौरेय, तो आप ही मुझसे युद्ध करो, दो दो हाथ हमारा आपका हो जाए तो मैं अपनी कला आपको दिखाऊं कि मेरे अंदर कितनी ताकत है और मैं कैसे युद्ध कर सकता हूं। भगवान श्री राम ने कहा जामुन जी ये मेरा रामावतार है, मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है, इस अवतार में लीला के लिए, सुख के लिए, मनोविनोद के लिए अपने से बड़ों के साथ मैं युद्ध करूं ये मर्यादा नहीं। आप वृद्ध हैं और जामवंत जी त्रेता युग में बूढ़े थे, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, तो भगवान ने कहा ऐसे वृद्ध व्यक्ति से मैं युद्ध करूं ये हमारे मर्यादा के विपरीत है, लेकिन आपकी इस कामना को मैं पूर्ण करूंगा, द्वापर युग में मेरा जब कृष्णा अवतार होगा तब आपके साथ मैं युद्ध करूंगा और तब आपकी कला को मैं देखूंगा और आप अपनी कला दिखाना। जामवंत जी ने कहा ठीक है, बात आई गई हो गई, गतम तो गतमेव ही, लेकिन इस कामना के कारण ही जामवंत जी महाराज को त्रेता युग से लेकर के द्वापर युग तक इस धरामंडल पर रहना पड़ा। किसी भी प्रकार की सांसारिक कामनाएं जीव को बंधन में डाल देती, इसीलिए गीता में बार बार भगवान कहते हैं कामनाओं का त्याग ही वास्तविक भक्ति है, वास्तविक शरणागति है, वास्तविक समर्पण है, वास्तविक ज्ञान है। जो भी कह लो, आप कह लो ज्ञान से मुक्ति मिलती है तो ज्ञान क्या है, बोले सारी कामनाएं समाप्त हो जाएं, यही तो ज्ञान है। शरणागति क्या है, बोले समस्त कामनाओं को छोड़ करके अनन्य भाव से अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पण हो जाए। तो ये कामनाएं ही जीव को बंधन में डाल देती हैं। और गीता में तो भगवान ने यहां तक कहा कामैस्तैर्तैर्हृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः, कामनाएं ही जीव के ज्ञान का हरण कर लेती हैं और उसका परिणाम ये होता है कि ये जीव भटकता रहता, उचित अनुचित का भी उसे ज्ञान नहीं हो पाता और ये कामनाएं जीव को बंधन में डाल देती और जन्म जन्म के बंधन ऐसे ही होते रहते हैं। एक कामना से एक बंधन, उस कामना की पूर्ति हुई तब तक दूसरी कामना पैदा हुई, उसके कारण बंधन, ये बंधन पर बंधन अनादिकाल से यही तो चल रहा है। जामवंत जी की छोटी सी कामना ने उनको एक युग तक इस पृथ्वी पर रहने के लिए मजबूर कर दिया मानो। और द्विविद और मयंद जो थे वो भी वैकुंठ नहीं गए राम जी के साथ। द्विविद भी द्वापर युग तक था, द्वापर में द्विविद को बलराम जी ने मारा है और मयंद भी द्वापर युग तक थे, उसके बाद भगवत धाम गए। तो द्विविद और मयंद को इसलिए भगवत धाम की प्राप्ति नहीं हुई कि द्विविद के विषय में वर्णन है कि वो द्विविद नाम का बानर राम जी का सेनापति था, दिन भर युद्ध करता था, राम जी के दल में रहता था, रात में राम जी के दल से निकल करके रावण के दल में चला जाता था लंका में, और रात में जाकर के वहां घूमे खाए पिए आनंद मौज मस्ती करता था और फिर वहां से सुबह सुबह फिर चला। ये बात राम जी को पता चल गई, ये तो बड़ा बदमाश है, रात में उधर जाता उस पार्टी में मिल जाता। इस कारण से भगवान ने द्विविद का त्याग कर दिया, छोड़ दिया, बोले जाओ ये जिसकी बुद्धि इस प्रकार की हो ऐसे व्यक्ति को अपने पास रखना ठीक नहीं। राम जी ने तिरस्कृत कर दिया, वध नहीं किया, मारा नहीं, छोड़ दिया। उसी समय से वो द्विविद भगवान से विमुख होकर के इधर उधर घूमने लगा और भगवत विमुखता के कारण धीरे धीरे उसके अंदर अज्ञान, लोभ, मोह, काम, ये सब कुछ बढ़ता गया और द्वापर युग तक वो द्विविद बानर था। द्वापर युग में बलराम जी ने जब द्विविद का वध किया तब द्विविद को भगवत प्राप्ति हुई, भगवत लोक की प्राप्ति हुई। तो ये सब कामनाएं ही जीव को बंधन में डाल देती हैं, इसलिए कामनाएं तो होनी ही नहीं चाहिए। श्री राम सुखदास जी महाराज जिनके ग्रंथ आपने पढ़े होंगे, श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर उनकी बड़ी व्याख्या है। पूज्य महाराज श्री अपने प्रवचन में कहा करते थे,
कि कोई काम हम करेंगे भविष्य में इसके लिए भी कहना नहीं चाहिए। वो कहते थे कहो ये ऐसा कहा करो कि प्रयास करेंगे, प्रयास करेंगे, हम ऐसा करेंगे ये भी नहीं कहना चाहिए। क्यों? बोले वो कामना बन जाएगी और नहीं कर पाए फिर वही बंधन का कारण। वो कहते थे कि ये बोलो कि प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे, देखते हैं, क्योंकि कामनाएं ही जीव को बंधन में डालती हैं। उसी कामना के कारण जामवंत जी महाराज आज तक रहे। भगवान ने कहा आज आपकी कामना पूर्ण हो गई। जामवंत जी बड़े प्रसन्न हुए, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। भगवान ने कहा जामवंत जी हम तो यहाँ आए हैं इस मणि के लिए, इस मणि के चोरी का आरोप मेरे ऊपर लगा है, इसी मणि के लिए मैं आया हूँ। तो जामवंत जी ने कहा प्रभु ये मणि तो आपको हम दे देंगे लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? जामवंत जी ने कहा प्रभु मेरी एक कन्या है जिसका नाम जाम्बवती है और अब मैं भी वृद्ध हो चुका हूँ, इस बुढ़ापे में अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने कहाँ जाऊँ, और वर ढूंढने अगर जाऊँ भी तो आपसे सुंदर वर कोई मिलेगा नहीं, और आप मेरे द्वार पर चल करके आए हो, वर तो कन्या के द्वार पर चल करके ही आता है और आप आए हो, तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, मेरी कन्या जाम्बवती का आप पाणिग्रहण ग्रहण कर लो, ये मणि मैं आपको दहेज में दे देता हूँ, दे दूंगा मैं मणि। भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये भगवान श्री कृष्ण का दरबार इस मामले में बहुत उदार है, कोई भी आओ कोई रोक टोक नहीं। वो तो हमारे राम जी थोड़ा इस मामले में बड़े मर्यादित हैं, सूर्पणखा आई तो नाके कान काट लिया हमारे, लेकिन कृष्ण भगवान बोले ये कहते हैं कोई भी आओ, चाहे लंगड़ी आओ, लूली आओ, बंदर की बेटी आओ, चाहे भालू की बेटी आओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ। कृष्ण भगवान के दरबार में किसी के लिए रोक नहीं। और ये भगवान का बड़ा कटु अनुभव भी रहा, कटु अनुभव ये था कि भगवान ने विचार किया कि देखो रामावतार में मैंने एक स्त्री का तिरस्कार किया, किसका? बोले सूर्पणखा का, बड़े भाव से बेचारी आई थी, हाँ। उसके भाव का अगर वर्णन करो तो उसका भाव तो बहुत ही पवित्र था, इसमें कोई दो राय नहीं, हाँ। कोई व्यक्ति भगवान को देखकर, उनके स्वरूप सौंदर्य को देखकर मोहित हो जाए और उनसे उसको प्रेम हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें खराबी क्या? गोपियों ने भी तो यही प्रेम किया। अगर भगवान के सौंदर्य को देख करके सूर्पणखा पागल हो गई और वो कहती है कि तोसम पुरुष न मौसम नारी यह संजोग विधि रचा बिचारी, तो उस बिचारी की इस बात में दम है, कहती ठीक बात है, अरे भगवान को देख करके कोई मोहित हो जाए तो ये अच्छी बात है। और आज भी उस सूर्पणखा के भाव को लोग रोज स्मरण करते, महाराज राम रक्षा स्तोत्र में जब पाठ करते हैं तो सूर्पणखा ने अपने भाई खरदूषण से जो कहा था भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हुए, उन्हीं श्लोकों को राम रक्षा स्तोत्र में रोज पाठ करते हैं। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुंडरीक विशालाक्षौ चीर कृष्णाधि नाम्बरौ फलमूलासनौ दांतौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ। सूर्पणखा जब खरदूषण के पास पहुंची तो यही कहा कि जिसने मेरा नाक कान काटा वो बड़े सुंदर हैं, तरुणौ बड़े जवान हैं, सुकुमार हो बड़े सुकुमार हैं। अरे नाक कटने के बाद भी भगवान के सौंदर्य माधुर्य को भूल नहीं पा रही थी और बार बार भगवान के सौंदर्य माधुर्य का ही वर्णन कर रही। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में गोपियों ने सूर्पणखा का बड़ी श्रद्धा से स्मरण किया है। भ्रमर गीत में गोपियों ने जब उद्धव जी को बहुत खरी खोटी सुनाई कि अरे कृष्ण तो बड़ा छलिया है, कपटी है, धोखेबाज है, ऐसे काले व्यक्ति से प्रीति करके हमने बहुत दुख उठाया, ये सब गोपियों ने कहा, तो उस प्रसंग में गोपियों ने सूर्पणखा का भी स्मरण किया। हाँ, गोपियों ने कहा अरे उद्धव जिस कृष्ण की तुम प्रशंसा कर रहे हो तुमने उसको पढ़ा है, तुम पढ़ुआ पंडित हो और हमने उसे जाना है, तुमने थ्योरी पढ़ी है हमने प्रैक्टिकल किया है, हम जानते हैं कृष्ण क्या है। गोपियां कहती हैं अरे उद्धव तुम कृष्ण को इस जन्म से जानते हो, मैं उसको कई जन्मों से जानती हूं। गोपियों ने कहा
कि कहो तो मैं दो चार जन्म की कथा बताऊं। उद्धव जी तो सुनने लगे। गोपियों ने कहा ये पिछले बार राम जी के रूप में प्रकट हुआ था, बताओ थोड़ी सी दया नहीं इसके अंदर, छिप करके व्याध के समान बाली को मार दिया, ये कोई धर्म था? गोपियां कहती और तो और, आहा वो बिचारी सूर्पणखा बड़ी श्रद्धा से स्मरण किया महाराज गोपियों ने, वो बिचारी कितने प्रेम से आई, आत्मसमर्पण करने आई, और इन निर्दय को दया नहीं आई, उसका नाक कान काट लिया। स्त्री कृत विरूपाम, उस स्त्री को विरूप बना दिया, कुरूपा बना दिया। इन वाक्यों के द्वारा गोपांगनाओं ने सूर्पणखा का बड़ी ही श्रद्धा से स्मरण किया। एक हमारे बड़े ही आदर्श आचार्य थे महापुरुष, जिनके मुख से मैंने सुना है कि वो तो इस प्रसंग में बोलते थे महाराज जब गोपियों ने उद्धव जी को ये बात सुनाई और ये प्रसंग जब आया कि रामावतार में स्त्री को विरूप कर दिया, तो सभी गोपांगनाओं ने बड़े भाव से सूर्पणखा को स्मरण किया और सूर्पणखा को प्रणाम किया, तू धन्य है, तू इनके सौंदर्य को देख करके मुग्ध हो गई, ये तेरा सौभाग्य था। तो भगवान ने त्रेता युग में सूर्पणखा का नाक कान काट लिया, उसका परिणाम ये हुआ, सीता हरण हुआ, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, राम जी को रोना पड़ा, जंगल जंगल भटकना पड़ा। तो राम जी ने विचार किया, इस अवतार में तो मैंने स्त्री का निरादर कर दिया, लेकिन अब ऐसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा, अगले अवतार में कोई आ जाओ सबको स्वीकार करूंगा, क्योंकि इसका दुष्परिणाम मैं भोग चुका हूं राम अवतार में। इसलिए कृष्ण अवतार में भगवान किसी स्त्री का तिरस्कार नहीं करते। कुब्जा आई बेचारी, तीन जगह से टेढ़ी थी, कुबड़ निकला था, उसको भी स्वीकार किया। ये भी आई महाराज, जामवंत जी ने कन्यादान कर दिया जाम्बवती का, मणि भी दे दिए। अब जामवंत जी की बेटी को लेकर के चले भगवान द्वारिका के लिए। अब ऐसे तो जामवंत जी महाराज देवतुल्य हैं, उनका शरीर केवल रीछ के समान है, बाकी संस्कार मनुष्यों से भी उत्तम है, वो वस्त्र धारण करते हैं, यज्ञोपवीत धारण करते हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, संस्कृत भाषा में मानवी भाषा में वार्ता करते हैं, वेद शास्त्र के समस्त धर्मों का बोध है, वो केवल देखने में रीक्ष है। उसी प्रकार हनुमान जी महाराज, सुग्रीव, अंगद, ये सब बानर जो हैं, ये बानर ऐसे बानर नहीं जो बानर आज घूमते हैं, ये बानर केवल बानर की आकृति इनकी है, ये देवता हैं, वस्त्र धारण करते हैं, जन्मजात इनके अंदर दिव्य सिद्धियां होती हैं, चमत्कार होते हैं, ये अलग एक विलक्षण जाति है, देव जाति, उपदेव जाति इसको कहा जाता है। वो केवल राम जी की लीला में सहयोग करने के लिए उस काल में वो जाति प्रकट हुई थी, ब्रह्मा जी के आदेश से देवताओं ने उन रूपों में अवतार लिया था, वो कोई ऐसे वैसे बंदर भालू नहीं थे। तो जामवंत जी महाराज की जो बेटी वो दिव्य देवी के समान थी, ऐसा नहीं था कि वो भालू की आकृति में थी, लेकिन भक्तों के बड़े भाव होते हैं। एक भक्त कहते थे कि भालू की बेटी तो भालू ही होती, तो जामवंती जो थी वो जाम्बवती जी भालू के ही समान थी। भगवान लेकर के तो चले, लेकिन फिर सोचने लगे अब द्वारिकापुरी लेकर के जाएंगे लोग क्या कहेंगे, कहाँ से जंगली भालू पकड़ करके ले आए भालू की बेटी। तो भगवान ने कहा जाम्बवती से अपना पीताम्बर दिया, कहा लो इसको ओढ़ लो और मैं जो कहता हूँ वैसे वैसे करना। बोले ठीक। जाम्बवती जी को लेकर के जब द्वारिका आए तो भगवान ने कहा अर्धरात्रि में हम लोग महल में चलेंगे, और जैसे ही महल में घुसेंगे दाहिने हाथ एक कक्ष है, महल में प्रवेश करते ही दाहिने हाथ पर एक कक्ष है, आप उस कक्ष में चली जाना और भीतर से जा करके कक्ष को बंद कर लेना, कोई कितना भी कहे तो दरवाजा मत खोलना, जब मैं कहूँगा तब खोलना। जाम्बवती ने कहा ठीक। अब जाम्बवती को अपना पीताम्बर उड़ा करके भगवान लेकर के आए, जब द्वारिका में प्रवेश किया रात्रि के 12 बजे, सब लोग तो सो गए थे, रुक्मिणी जी को नींद नहीं आ रही थी, 28 दिन हो गए प्रभु गए हैं अभी आए नहीं, कहाँ होंगे। आंगन में वो टहल रही थी तब तक भगवान जाम्बवती को लेकर के पहुंचे। तो जाम्बवती को तो पहले ही सिखा रखा था कि भीतर जाते ही बगल वाले कक्ष में चली जाना और बंद कर लेना,
अब वो पीतांबर ओढ़े हुए थी और फट से भीतर गई और कक्ष को बंद किया। रुक्मिणी जी ने हल्का सा देखा कोई आया है साथ में और इधर कक्ष में गया, वो भी पीतांबर ओढ़े, उसका घूंघट दिख रहा था, कोई महिला जैसी दिख रही थी। दौड़ी दौड़ी रुक्मिणी जी आई, भगवान के चरणों में प्रणाम किया, कहा द्वारिकाधीश आप सकुशल तो? भगवान ने कहा सब ठीक है। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु आपके साथ कोई और आया है? भगवान ने कहा हाँ। बोले कौन है? भगवान ने कहा एक देवी है, मैं उनको लेके आया हूं। रुक्मिणी जी ने कहा मेरी सवत तो लाए हो क्या? वो तो अंदाजा लग ही जाता है। रुक्मिणी जी ने कहा मेरी सवत लाए हो? बोले अभी यही समझ लो, और मैं कर भी क्या सकता हूं। रुक्मिणी जी ने कहा तो जरा मैं भी देखूं कि मेरे नाथ ने जिसको पसंद किया है वो कितनी सौभाग्यशालिनी होगी, साधारण तो नहीं हो सकती, मैं भी देखूं। तो भगवान ने कहा वो इसी कक्ष में है। रुक्मिणी जी ने जाकर के कहा देवी द्वार खोलो, मैं भी तो देखूं कि मेरी बहन कैसी है, ऐसी सौभाग्यशालिनी जिसको मेरे स्वामी ने स्वीकार किया है, वो भी धन्य ही होगी। रुक्मिणी जी द्वार खटखटाती रही लेकिन जाम्बवती जी ने द्वार नहीं खोला, भगवान ने तो पहले ही सिखा रखा था खोलना मत। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु ये द्वार क्यों नहीं खोल रही? भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा देवी आज मैं जिसे लेकर के आया हूँ ना, वो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसी कोई सुंदर स्त्री नहीं हो सकती, इसलिए वो किसी को अपना मुख दिखाना नहीं चाहती, इतनी सुंदर है। अब तो रुक्मिणी जी को ईर्ष्या होने लगी, मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। तो भगवान ने कहा देवी आप तो सुंदर हो इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो आपसे बहुत ज्यादा सुंदर है, आप तो उसके सामने कुछ नहीं हो। अब तो रुक्मिणी जी को और रोष आया, इतनी सुंदर। भगवान ने कहा हाँ देवी वो तो आपसे कई गुना ज्यादा सुंदर है। रुक्मिणी जी को रोष आ गया और रुक्मिणी जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो जाओ, मैं कहती हूं कितनी भी वो सुंदर क्यों न हो लेकिन उसकी सुंदरता घट करके मेरे बराबर हो जाए, मुझसे ज्यादा न हो। रुक्मिणी जी ने कहा उसकी सुंदरता मेरे बराबर हो जाए, मुझसे ज्यादा न हो। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। फिर भगवान ने कहा जाम्बवती से अब द्वार खोलो। जाम्बवती ने जब द्वार खोला तो रुक्मिणी जी ने जब कह दिया कि मुझसे ज्यादा सुंदरता न हो मेरे बराबर हो जाए, तो रुक्मिणी जी के बराबर सुंदरता हो गई जाम्बवती। जाम्बवती उतनी सुंदर, जब द्वार खुला और रुक्मिणी जी ने देखा जाम्बवती को तो देखती ही रह गई। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु आपने ठीक कहा था, मेरे कहने के बाद जब इतनी सुंदरता है तो पहले कितनी रही होगी? भगवान ने कहा पहले कितनी थी वो तो हमको पता है। इस प्रकार से भगवान रुक्मिणी जी को लेकर के आए वो जाम्बवती को, और रुक्मिणी के वचनों के द्वारा जाम्बवती परम सुंदरी हो गई और फिर जाम्बवती जी के साथ भगवान का विवाह संपन्न हुआ।